दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन ऐप पर। आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक हिंदी का उद्भव एवं विकास क्रम। पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई, अपभ्रंश के बाद अपहार भाषा आई, उसके बाद प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी के बाद नवीन हिंदी। अब बात करते हैं वर्ण, वर्ण में है स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर 13 और से व्यंजन होते हैं 39। स्वर आ, बड़ा आ, ई, बड़ी, ऊ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। व्यंजन व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या वर्गीय स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में पहला कंठ, कंठ से बोले जाते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ये क्या है कंठ व्यंजन। दूसरा है तालु, दूसरा है तालु, तालु से चा, छा, जा, झा, चा छा जा जा इया, चा छा जा जा इया। तीसरा है मूर्धा, तीसरा है मूर्धा, मूर्धा से टा, ठा, डा, ढा, अण। चौथा है दंत, चौथा है दंत, दंत से ता, था, दा, धा, ना। और पांचवा है ओष्ठ व्यंजन, पांचवा है ओष्ठ। ओष्ठ में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा, इनको हम ओष्ठ के सहारे बोलते हैं। और से अब अंत्यस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और से वा, ये अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। सा, 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 हा, संयुक्त व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है छ, त्र और से गेम, छात्र ज्ञान। अब छ किससे किससे मिलकर बना है, छ मिला है का धन सा, इसे छ मिलकर बना है, त्र मिला है ता धन रा, इससे त्र बना है और ज्ञ बना है ज धन, या धन या धन, इससे क्या मिला है, ज्ञ मिलकर बना है। अब बात करते हैं द्विगुण या उचित व्यंजन, द्विगुण द्विगुण या उचित व्यंजन, द्विगुण या उचित व्यंजन, द्विगुण या उचित व्यंजन है ड और ढा, ये है उचित व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या रा लावल, उष्ण व्यंजन संघर्षी व्यंजन सा सा शाहा, संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञ, छ का प्लस सा से मिलकर बना है, त्राता धन रा से मिलकर बना है, ज्ञा जा धन इया धन आ से मिलकर बना है। द्विगुण या उचित व्यंजन है डा या ढा। अब हिंदी देवनागरी में, हिंदी देवनागरी में कुल 52 वर्णों का प्रयोग किया गया है, हिंदी देवनागरी में 52 वर्णों का प्रयोग किया गया है, नाशिवत व्यंजन, जिसमें नाशिवत व्यंजन है, नाशिवत व्यंजन, नाशिवत व्यंजन की संख्या कितनी है 5, नाशिवत व्यंजन की संख्या है 5, नाशिवत व्यंजन होते हैं ड इया अंगा इया आ ना और से मा, ये नाशिवत व्यंजन होते हैं, नाशिवत व्यंजन की संख्या 5 होती है, अणा इया आ अणा सॉरी रा इया रा ना मा, ये नाशिवत व्यंजन होते हैं, नाशिवत व्यंजन की संख्या है 5, अंगा इया अणा ना मा। संयुक्त रूप से वर्णों का उच्चारण स्थान, कर्म से कौन कौन से वर्ण आते हैं कंठ में, का कंठ वर्ण में आते हैं का खा गा घा अंगा हा आ आ और से आहा, कंठ वर्ण में आते हैं। कंठ वर्णों का उच्चारण है, इन वर्णों का उच्चारण हम, इन वर्णों का उच्चारण हम जीव कंठ द्वारा, जीव द्वारा कंठ से करते हैं, जीव इन वर्णों का उच्चारण जीव कंठ का स्पर्श करती है। और है तारु, तारु वर्ण, तारु वर्ण, तारु वर्ण में आते हैं चा चा छा जा झा इया सा या ई ई, बड़ी तारु वर्ण में आते हैं चा छा जा झा इया सा या ई बड़ी, इनके उच्चारण में जीव, इनके उच्चारण में जीव मुख के ऊपरी ऊपरी चिकने भाग तालु को स्पर्श करती है, इनके उच्चारण में जीव मुख के ऊपरी चिकने भाग तालु को स्पर्श करती है। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण,
मूर्धन्य वर्ण में टा छा डा ढा आ सा रा री री और से ढा मूर्धन्य वर्ण है टा ठा डा ढा आ सा रा री ऋषि। ठीक है, इनके उच्चारण में जीव, इनके उच्चारण में जीव के ऊपर, जीव के ऊपर के दांतों के स्थान वाले खुरदरे भाग को स्पर्श करते। इसमें जीव मुख के ऊपरी जो खुरदरा भाग होता है, इसमें मूर्धन्य टा ठा ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। ओष्ठ है दंत वर्ण, दंत वर्ण, दंत वर्ण है ता था दा धा ना सा ला। दंत वर्ण में ता था दा धा ना सा ला, इनके उच्चारण में जीव दांतों में लगती है। ता था इनके उच्चारण में जीव दांतों में लगती है। और ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण है पा फा बा भा मा उ और से बड़ा दो। ये हैं ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ इनके उच्चारण में जीव, इनके उच्चारण में जीव के सहयोग से, इनके उच्चारण में जीव के दोनों ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं। पा था इसमें दोनों ओष्ठ मिल जाते हैं। अब है दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ वर्ण है। दंत्योष्ठ वर्ण, दंत्योष्ठ वर्ण में है वा, दंत्योष्ठ वर्ण वा। अब कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण है और आओ और ओ आओ कंठोष्ठ वर्ण है। अब कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु वर्ण कौन कौन से हैं? ए और आई, ए कंठ तालु वर्ण है। दंत मूल, दंत मूल है रा ला, ए दंत मूल है। नासिवद, नासिवद, नासिवद है इया अणा ना मा अं। एक कौन से है? नासिवद व्यंजन है। अब अर्धस्वर, अर्धस्वर व्यंजन है या और वा। या किससे मिलकर बना है? या
ईंधन असमिल करवाना है और ये उधन वह असमिल करवाना है। रा है रा, रावण को लुंठित है, लुंठित या लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कहते हैं, लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। ला, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला कौन सा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन। और जिन वर्णों में मुख्य उच्चारण से, जिन वर्णों में मुख्य उच्चारण से कम हवा निकले उन्हें अल्प वर्ण कहते हैं। स्वर, स्वर होते हैं एक अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिक स्वर, दूसरा है निरानुनासिक, निरानु निरानुनासिक, दूसरा है निरानुनासिक। पहला है अनुनासिक स्वर, दूसरा है निरानुनासिक। अनुनासिक स्वर में आते हैं अं, आ, ई, ई, उं, उं, ए, ए, ओ और औ। ए अनुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर है आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुनासिक स्वर में हम ना नाक की सहारे बोलते आ, आ, ई, ई, यहां भी और से निरानुनासिक शब्द में आ, आ, ई, यू। अनुनासिक स्वर का उपयोग सम्मान देने के लिए किया जाता है, अनुनासिक स्वर का उपयोग सम्मान देने के लिए करते हैं तथा बहुवचन बनाने के लिए अनुनासिक स्वर का उपयोग किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला है मूल स्वर, दूसरा है व्युत्पन्न स्वर। पहला है मूल स्वर, पहला है मूल स्वर, दूसरा है व्युत्पन्न स्वर। व्युत्पन्न दूसरा है व्युत्पन्न स्वर। मूल स्वर में आ, ई, उ, री, ये मूल स्वर में आते हैं। व्युत्पन्न स्वर, व्युत्पन्न स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर दूसरा है संयुक्त स्वर, संयुक्त दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। आ धन ई और ए, आ धन ए से
से मिलकर बना होता है, और से ए आधन ऊ से मिलकर बना होता है, और अ जो होता है औ आधन ओ से मिलकर बना होता है। दीर्घ स्वर में आ ई ऊ, संयुक्त स्वर ए आई ओ औ, तो ए आधनी से मिलकर ए आई आधन ए से मिलकर, ओ आधन ऊ से मिलकर, तथा औ आधन ओ से मिलकर बना हुआ होता है। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद तीन प्रकार के होते हैं, हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पहला है हस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत, तीसरा है प्लुत स्वर। हस्व स्वर में आ ई ऊ री ये हस्व स्वर में आते हैं, इनको खड़ी लाइन से दर्शाते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ और औ आते हैं, इनको इस चिन्ह से द्वारा दर्शाया जाता है। और तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में जैसे ओम, इसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा उच्चारित होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। जीवा के आधार पर स्वर, जीवा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, आग्र स्वर, आग्र स्वर, आग्र स्वर में ई ई ए तथा ऐ अग्र स्वर है। मध्य स्वर मध्य स्वर में आता है, और पश्च स्वर में आ उ बड़ा उ ओ ये पश्च स्वर में आते हैं। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है, प्राण का अर्थ है हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती हो, प्राण का अर्थ है हवा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती हो उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, तथा जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती हो उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। इस प्रकार इनके दो भेद माने जाते हैं, अल्प प्राण और से महाप्राण। अल्प प्राण में सभी स्वर, अल्प प्राण में सभी स्वर इकतीस होते हैं, अल्प प्राण सभी स्वर अनुस्वर तथा हर वर्ग का तथा हर वर्ग का पहला, तीसरा, हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन होता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन होता है तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन।
ये चार होते हैं और सभी स्वर, सभी स्वर हुए 11, अनुस्वर एक तथा हर वर्ग का पहला तीसरा व पांचवा व्यंजन, इनकी संख्या हुई 31। महाप्राण वर्ण इनकी संख्या है 15, हर वर्ग का हर वर्ग का दूसरा एवं चौथा व्यंजन, दूसरा एवं चौथा व्यंजन, तो इनकी संख्या हुई 10। धन उष्ण व्यंजन हुए 4, उष्ण व्यंजन हुए 4। धन विसर्ग तो विसर्ग का हुआ 1 व्यंजन, तो इनकी संख्या ऐसे हुई 15 10 4 1। हर वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन उसमें 4 व्यंजन विसर्ग 1। घोषत्व के आधार पर वर्ण भेद, घोषत्व के आधार पर भी दो प्रकार के वर्ण भेद होते हैं। पहला है घोष या सघोष, पहला है घोष या सघोष, इनकी संख्या 31 होती है, और दूसरा है अघोष वर्ण, अघोष दूसरा है अघोष वर्ण, इनकी संख्या 13 होती है। इस घोष वर्ण में आते हैं सभी स्वर, स्वरों की संख्या 11, वर्ग का तीसरा चौथा, वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा चौथा एवं पांचवा व्यंजन, इनकी संख्या होगी 15। धन अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या है 4 तथा इसकी है 0। घोष में 21 वर्ण होते हैं, और घोष में हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन, पहला एवं दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन, धन सा शा सा, दस हुए और ये 3 हुए, 10 3 13, अघोष वर्ण की संख्या हुई 13। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।